चाहे किसान होवे, मजदूर होवे, दुकानदार होवे, देखो हर वर्ग दे विच आ गया। इहदा मतलब समझ लो कि अंदोलन बहुत विशाल हो चुके है, बहुत वड्डा अंदोलन जिहड़ा बन चुके है, भारत तों बाहर अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे उत्ते अंदोलन पहुंच चुके है। पर मैनूं इक गल इत्थे कहनी चाहुंदा है कि मेरी अनुसार इत्थे जिहड़े जथेबंदियां वाले आगू साहिबान उहनां नाल भी गलबात हुई है, मैं उन्होंने भी ध्यान च लिया, नौजवानों ने भी मेरे को गलबात साझी की है कि आप जिस जगह के उत्ते खड़े हैं ना, इतों दिल्ली हले मैं लगता कि 100-125 किलोमीटर अगे आ, आप राजस्थान च ही बैठे हाँ। तो कई मुंडे पिछे गिला करते थे, कहने भाई जे राजस्थान के बैठना फिर तो घर ही बह जाने जाके। सो मैं ये गल जथेबंदियों के भी ध्यान चाहना चाहता, भी मैं सारे नौजवानों भी अपील करनी चाहना है कि जागते च रहना है। जथेबंदियां जिहड़ियां अगवाई कर रही ने हरियाणे दियां होण, राजस्थान दियां होण, पंजाब जां यूपी जां कितों दियां भी होण, उन्हां दे मुताबिक ही आपां चलना। पर मैं तुहानूं इन्नी गल कह दिंदा कि इत्थे बैठण नाल गल नहीं यार बणनी। तुसीं अगवाई करो जथेबंदियां वाले, नाल तुहाडे सारा जिहड़ा हा नौजवान बैठे आ, सारा वर्ग बैठे ने, बड़ी वड्डी गिणती है तुहाडी तां यार। अज तू मैनूं लगदा चौथा हिस्सा भी होवे ता भी आ वैरी बुरी कैद कुछ भी टप के लंघ जाए। उत्तराखंड वाले यूपी वाले भी आए ने, बड़िया बंदिशा लाइया गई उन्होंने, उत्तर देख लो यूपी दे योगी सरकार है, उत्तराखंड दे विच भी बीजेपी की सरकार आ, बड़ा बड़ा कुछ उन्होंने तशद्दुद भी होए, मुकदमे भी दर्ज किए गए मुंडिया ने नौजवानों के घरे आके, पुलिस भी दुकाउंदी सी, धमकियां दिंदी सी, डराउंदी सी, पर उहदे बावजूद भी उत्थे नौजवानों ने हलाशेरी दिखाई, तो सारे वैरी बुरी के टप के वह गाजीपुर वाले बार्डर से आके बह गए। तो राजस्थान आयो, फैसला तुसी करना भरावो, असीं तुहाडे अगे लग के चलण नूं तैयार हाँ। जथेबंदियां वाले आगू भाई मैनू मिलिया, संतबीर जी खड़े ने, राजू जी है, होर जो भी तुहाडे जथेबंदियां वाले आगू ने, जगिंदर यादव जी इत्थे बैठे ने, हुण तां तुहाडे नाल यार इत्थों दे एमएलए आके बैठन लग गए, एमपी राजस्थान वाला जिहड़ा आके तुहाडे नाल बैठा है। हुण तुहानूं किहड़ी गल दी परवाह, आपां किहड़ी गल नूं उड़ीकदे आ। देखो साडी ड्यूटी लाओ, जो तुसीं कहोगे तुहाडे अगे लगना है, भी उत्थों ट्रालियां होर लैके आउणियां, बंदे होर लैके आउणे आ, टिकरी वाले पासे जां सिंघू वाले पासों, उह असीं लिआउण नूं तैयार आ। पर इत्थे इतने बैठने का कोई बहुता असर नहीं है, आप सारा हरियाणा छड्डी बैठे जे कोई एडी नहीं गल होंगी, बड़िया बड़िया रोकां टोकां तोड़ के जिहड़ियां वह पंजाब वाले भी, हरियाणे वाले भी, यूपी वाले भी, मध्य प्रदेश वाले भी, सारे ही आए ने दिल्ली बैठे, पर घट्टो घट्ट दिल्ली ते हरियाणे की हद तक जाके बैठे ना, इस गल नाल सहमत हो। हाँ बस फिर मैं यही थोड़े को बेनती कर दंगा सी, बाकी गल्लां बातां आपां करदे रहांगे, मैं तुहाडे कोले आउंदा रहूंगा, पर मेरा भी यही गल होना आपां सारे, पर मैं फिर कहना मननीय भाजपा की है, कई बार ये होंदा कि यार लखा उत्थों आया 100-200 किलोमीटर तो चल के ते आके भड़का गया नौजवानों ने, गलत काम कर गया, वह नहीं मैं चाहता कि अपने दे विच कोई इस तरह की दुफाड़ आवे, आपां पट गए आपस में, अज सिर जोड़न की लोड़ है, क्योंकि सरकारां यह चाहुंदियां ने कि किसी तरीके दे नाल जिहड़े लोग ने ये अड्डो फाटी हो जाण। बथेरा कुछ उन्होंने चालां चलिया, कदे ये कले पंजाब वालों का संघर्ष है, कदे खालिस्तानी आ गए, कदे माओवादी आ गए, कदे नक्सलवादी आ गए, फिर टुकड़े टुकड़े गैंग आ गया, बड़िया चालां उन्होंने दलाल मीडिया ने, उन्होंने आगुआ ने यह आपां पाड़न की कोशिश की, एस वाई एल वाला मुद्दा लेके आए, तो हरियाणा ने ठोक के जवाब दिता कि कोई गल नहीं यार, पंजाब साडा वड्डा भरा है, जमीना बचनिया असी पानी साढ़े काम आऊगा, हूं असी पानी कड़ा डुबना इतने। सो कमाल का जवाब उन्होंने दिता, मूंह तोड़ जवाब दिता है, आ खट्टर वर्गों को घेरिया उन्होंने, दुशंत चौटाला का हैलीपैड पटिया उन्होंने, उत्तर दिता जहाज तो थले उन्होंने लोगों ने। सो यह सानू हुण करना पैना, दो दो हाथ करने पैने, इन्ना सौखा गल्लां बातों वाले मन वाले लोग है नहीं, पर जे एडे एडी शक्ति के बावजूद एडा वड्डा अंदोलन हो जाए, भारत का बच्चा बच्चा, भारत का हर नौजवान, हर वर्ग जाग जाए, उसके बावजूद भी आप कुछ ना कर सकी, फिर मैं लगता कि अपने वर्गा कोई निकम्मा नहीं होना। तो इस करके अखीर दे उत्ते मेरी यही बेनती है,
ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ ਹੁਣ ਭਰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਆਗੂ ਕਹ ਹੁਣ ਭਰਨ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੈਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੋ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਦਿਨੇ ਕਹੋਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਭੰਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।